नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग H2O ड्रिंकिंग वाटर। भवानी मंडी शहर का नाम किया रोशन। ज्योति मरली प्रांतीय अधिवेशन भिलवाड़ा राजस्थान में आयोजित हुआ, जिसमें भवानी मंडी लायंस क्लब रॉयल के अध्यक्ष कृष्ण कुमार राठी ने के नेतृत्व में लायन MGF कैलाश बोरा, कालूलाल सालेचा और सदस्य गणित सालेचा ने भाग लिया। अधिवेशन में बैनर प्रस्तुति में भवानी मंडी लायंस क्लब रॉयल ने भी भाग लिया। मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लायंस सुनील कुमार, VK लाडिया प्रांतपाल, लायंस डॉक्टर संजीव जैन, TC छाबड़ा, दिलीप कुमार तोशवाल आदि ने अपने संबोधन में और क्लब के नारे नया सवेरा नई उम्मीद के साथ अधिक से अधिक समाज सेवा कार्य करने के लिए सभी क्लब को आह्वान। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रिटर्निंग अधिकारी के निर्देश अनुसार मतदान केंद्र का निरीक्षण किया गया। थाना अधिकारी रमेश मीणा, बीट कांस्टेबल वहीं बकानी खुर्द के मतदान केंद्र का अवलोकन कर दिशा निर्देश दिए गए। आने वाली 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जिसको लेकर भवानी मंडी पंचायत समिति के भी मतदान केंद्रों का जायजा लिया गया। पंजाब नेशनल बैंक के सभागार में शुक्रवार को PNB पदाधिकारियों ने PNB का 130वां स्थापना दिवस मनाया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ PNB के वरिष्ठ प्रबंधक विकास कुमार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय के चित्र पर माल्यार्पण कर और केक काटकर किया। वहीं उपस्थित सभी ग्राहकों का आभार व्यक्त किया। स्थापना दिवस पर उपस्थित ग्राहकों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ प्रबंधक विकास कुमार ने कहा कि PNB वन ऐप से जुड़े तभी सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर PNB ऐप के माध्यम से ग्राहक को की सेवा में जुटा हुआ है। उन्होंने बैंक की सेवा को और बेहतर बनाने की दिशा में भी विस्तार से चर्चा की और विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। वहीं 130वें स्थापना दिवस पर सभी ग्राहकों के सहयोग की सराहना की। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रबंधक विकास कुमार, उप प्रबंधक राजेंद्र गुप्ता, राहुल गर्ग, भैरूलाल भिल, अनिता रति महेश्वरी, रमेश मीणा सहित अधिकारी कर्मचारी व ग्राहक उपस्थित रहे। बकानी के गुजरगोड़ ब्राह्मण समाज महिला मंडल की ओर से शुक्रवार को गणगौर महोत्सव मनाया गया। जोशी मोहल्ला में स्थित समाज के मंदिर के पास बने भवन में महिला मंडल की अध्यक्ष रेखा गौतम की अगुवाई में कस्बे के विभिन्न मार्गों से महिलाओं ने गणगौर की सवारी निकाली, जो कस्बे के प्रमुख मार्गों से निकली। इस अवसर पर कांता जोशी, दीप्ति शर्मा, रेखा शर्मा, अलका शर्मा, प्रियांशी शर्मा, धीरज शर्मा, ममता चतुर्वेदी, राखी जासू, पहल जोशी, सुनीत जोशी सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। डक के क्यासरा महादेव की तीर्थ नगरी में आचार्य मोहनलाल व्यास के नेतृत्व में संपूर्ण ग्रामवासियों के सहयोग से मंदिर बनाया गया, जहां पंच दिवसीय 21 कुंडात्मक यज्ञ एवं शीतला माता प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हुआ। यज्ञाचार्य मोहनलाल व्यास ने बताया कि इस यज्ञ के प्रधान यजमान अखिलेश राठौड़, सोसाइटी सेक्रेटरी क्यासरा, जिन्होंने अपनी श्रद्धा और भाव के साथ बोली लगाकर प्रधान यजमान का पद प्राप्त किया, जिसमें मूर्ति संस्कार, महास्नान, अनादिवास, जलादिवास, फलादिवास इन्हीं की ओर से रहेगा। अभी 51 जोड़े हवन में बैठने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ वैदिक मंत्रोच्चार में आचार्य बालाराम व्यास, महादेव व्यास, बालमुकुंद व्यास, विष्णु प्रसाद, आशीष शर्मा सहित वैदिकों द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। हवन सुबह 8:30 से 12 बजे तक एवं मध्यान्ह अपरांत 2:30 बजे से प्रारंभ होकर शाम 5:30 बजे तक जारी रहता है। 5वें दिन अभिजीत मुहूर्त में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। झालावाड़ में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 14 अप्रैल से जिले में प्रारंभ होने जा रही होम वोटिंग प्रक्रिया के लिए मतदान दलों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ द्वारा निरीक्षण किया गया। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दलों को होम वोटिंग की प्रक्रिया को पूर्ण सतर्कता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होम वोटिंग के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें, साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि मतदाता के मतदान की गोपनीयता भंग ना हो। उन्होंने कहा कि रूट चार्ट के अनुसार संबंधित BLO के साथ समन्वय रखते हुए होम वोटिंग करवाएं, ताकि मतदान दल के पहुंचने से पूर्व ही मतदाता की उसके घर में उपस्थित सुनिश्चित हो सके। झालावाड़ जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड झालावाड़
सर्च डेयरी में 2 साल बाद फिर से दूध पैकिंग की शुरू हो गई है। इससे अच्छे दिन फिर से लौटने की उम्मीद जागी है। इस डेयरी में पहले प्रतिदिन 20 से 22 हज़ार लीटर दूध समितियां आ रही थी, जिसे अवशीतन कर प्रतिदिन कोटा भेजा जा रहा था, लेकिन अब यहीं से दूध की पैकिंग कर बाजार में विपणन शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि 14 मई 2022 को डेयरी प्लांट के बॉयलर में ब्लास्ट एवं जलने के बाद से दूध की पैकिंग कार्य बंद हो गया था और पूर्ववर्ती सरकार द्वारा डेयरी पर कोई ध्यान नहीं देने से एक तरह से डेयरी बंद होने की कगार पर ही थी। लेकिन वर्तमान डेयरी मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोद चारण के कई प्रयासों से बॉयलर की मरम्मत की और प्रबंधक ने के प्रयासों से डेयरी के छोटे और बड़े दोनों बॉयलर की मरम्मत का कार्य पूर्ण होने के बाद यहाँ पर पहले दिन 4,000 लीटर दूध की पैकिंग कर बाजार में वितरण शुरू किया गया है। वहीं करीब 20,000 लीटर दूध अवशीतन कर कोटा डेयरी भेजा जा रहा है। ये चूंकि मशीनें जंग खा चुकी थी। प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो जालौर दूध संघ जो है अभी 25,000 लीटर पर डे दूध का संकलन कर रहा है, ठीक है, और 11 तारीख से कल शाम से हमने पैकिंग का काम वापस शुरू कर दिया है। हमारा पूरा झालावाड़ डेयरी का प्लांट की मरम्मत करवा दी हमने, मशीनरी साइड से, प्रोसेस साइड से, कोल्ड स्टोरेज साइड से, और मरम्मत होने के बाद में कल हमने पैकिंग का काम शुरू किया। तो कल हमने अप्रोक्स 2,000 लीटर दूध पैक किया और आज हमारे करीब 5,000 लीटर दूध की डिमांड आ चुकी है, पैसा जमा हो गया है और अभी पैकिंग का कार्य शुरू हो गया है। अच्छा, ठीक है। कौन कौन सा दूध की पैकिंग हो रही है, जैसे गोल्ड, डबल टोन? अभी वर्तमान में मैं गोल्ड कर रही हूँ हाफ लीटर में और लीटर में। अच्छा। और टोन कर रही हूँ हाफ लीटर और लीटर में, और डबल टोन कर रही हूँ हाफ लीटर में और 6 लीटर। अच्छा मैडम, क्या कहना है, किसी समय ये डेयरी के अंदर पनीर, छाछ, घी सब बन रहा था, वो कब बनेगा? ये बहुत जल्द मैं आपसे कहती हूँ कि कल ही हमारा दही, छाछ और लस्सी का काम शुरू हो जाएगा। अरे वाह। और विद इन वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर हम आपको पनीर, श्रीखंड और लस्सी और घी, अच्छा, ये सब कार्य हम बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि इसकी तो मशीनें जंग खा गई थी। कोई ऐसी मशीन नहीं थी कि जो हम एकदम तुरंत ही चालू कर लें। हर एक के अंदर हमारे को उसमें उसकी मरम्मत करवानी पड़ी, मेंटेनेंस पे गई, उसके पार्ट्स भी नए लगे और लाइन्स चेंज हुई, और बहुत मेहनत के बाद में अप्रोक्स 2 महीने तक ये काम चला। अभी हम पैकिंग, अभी हमारा पूरा लगभग 100% काम हो चुका है। ठीक है। मंचौर शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश के लिए आज जिले भर से कई विद्यार्थी परीक्षा से पूर्व अभ्यास परीक्षा देने पहुंचे, जहाँ पूर्व में विद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन छात्रों द्वारा किए जा गए थे, तो वहीं परीक्षा 28 अप्रैल को होना है, जिसके चलते आज स्कूल परिषद परिवार द्वारा बच्चों को परीक्षा में किस तरह से कार्य करना है इसको लेकर अभ्यास परीक्षा ली जा रही है, जिसके चलते जिन बच्चों ने आवेदन किए थे वह आज अभ्यास परीक्षा में शामिल होने पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि विद्यालय में कुल 240 सीटें खाली है, जिसके लिए करीबन 1300 से आवेदन आए हैं। अब इसमें से 240 बच्चों का चयन होना है, जिसके लिए 28 अप्रैल को मुख्य परीक्षा होगी। मंदसौर जिले में चैत्री नवरात्रि पर माताजी के मंदिरों में रोजाना अलग अलग प्रकार से माताजी की आराधना की जा रही है, तो वहीं शहर के अति प्राचीन नालछा माताजी मंदिर पर चैत्र नवरात्रि की पंचमी पर सोने चांदी के आभूषणों से श्रृंगार किया गया, तो वहीं आरती के बाद माता भक्तों द्वारा मंदिर परिसर में गरबा भी खेला गया। आपको बता दें कि हर नवरात्रि की पंचमी पर माता जी का आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है, बाकी समय में यह आभूषण ट्रेजरी में यानी कि सरकारी खजाने में जमा रहते हैं। पंचमी के एक दिन पूर्व ही तहसीलदार की परमिशन पर यह आभूषण बाहर निकाले जाते हैं, तो वहीं इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि पूर्व में 2015 में कुछ बदमाशों ने चोरी की नीयत से मंदिर पर धावा बोल दिया था, किंतु माता रानी के आशीर्वाद से वह असफल रहे। उस घटना के बाद से ही प्रति नवरात्रि में माता जी के मंदिर में 1 से 4 की गार्ड का तैनाती रहती है, विशेषकर पंचमी के बाद से सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी कर दिया जाता है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग H2O ड्रिंकिंग वाटर।
एडमिशन ओपन मदर्स लिब अ प्ले स्कूल द फ्यूचर बिगिन से योर प्री नर्सरी टू यूकेजी बेनिफिट्स ऑफ आर क्लासेस स्मॉल क्लासेस साइज लविंग एंड केयरिंग एनवायरमेंट्स इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स डेडिकेटेड टीचर्स एंड स्टाफ स्कूल व्हीकल फैसिलिटी एड्रेस भावना कुंज नियर हनुमान जी मंदिर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भवानी मंडी डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ राजस्थान मोबाइल नंबर 6378228422 9887267439 30 अप्रैल 2024 तक प्रवेश लेने पर फीस में 21% तक की छूट तो जल्दी कीजिए और इस योजना का लाभ उठाइए। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव अरविंद नामदेव विपिन नामदेव। बंधु मिस्टर भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई ड्राई फ्रूट स्वीट नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास बंधु आइस फैक्ट्री शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी भवानी मंडी। एडमिशन ओपन RBSE अफिलियेशन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम नर्सरी टू 12th संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। साइंस स्ट्रीम केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी एंड मैथ्स। कॉमर्स स्ट्रीम अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स। आर्ट्स स्ट्रीम इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी सोशियोलॉजी हिंदी लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर। बस फैसिलिटी इक्विप्ड लेबोरेटरी एंड परफेक्ट कंप्यूटर लैब। कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एड्रेस उषा कॉलोनी भवानी मंडी जिला झालावाड़ राजस्थान। फोन नंबर 8769602008 9784 8835 35